Assalamualaikum, dear students. It is my pleasure to welcome you all in Husaini Public High School YouTube classes. I hope you are all fine. Today I am going to give you concept of subtraction. Subtraction kya hota hai? Subtraction means when you are taking away something from a group or a number of things. Subtraction hota hai jab hum number of जो थिंग्स होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनको कुछ कम कर देते हैं. टेक अवे मतलब कम करना. तो जब हम किसी चीज में से या किसी नंबर में से कुछ कम कर देते हैं तो हम बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. तो पहले हम सीखेंगे काउंट एंड सब्ट्रैक्ट, वो कैसे होता है. बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, ये हम चीजों पे भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, नंबर्स पे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ सर्कल्स है, ये कितने सर्कल्स है, 6 सर्कल्स. अगर आपको कहा जाएगा कि इसमें से आप 3 सर्कल्स जो है उनको सब्ट्रैक्ट करो, तो आप कैसे करोगे. ये कितने हैं, 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. कितने हैं, 6. अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करो, तो आप क्या करोगे. आपको 3 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 रुकिए, यहाँ से दूसरा करूंगी ना, 5 कितने कार्ड यहाँ पे, यहाँ पे 2 फॉर एग्जाम्पल, इट लुक्स पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा मैंने 6 बेटा, सिर्फ माइनस निशान है यहाँ पे. कार्ड कितने मैंने 1, 2 लिखा मैंने 2, तो यहाँ पे कितने बच गए बेटा 1, 2, 3, 4 ये तो थे, ये सब बढ़ गए. काउंट एंड सबट्रैक्ट त्रे पार्ट है ना, इसका चोर है पार्ट वहीं से ही काउंट एंड सबट्रैक्ट. तो सबट्रैक्शन क्या है ये हम एक क्वेश्चन से सीखेंगे. जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम करेंगे काउंट एंड सबट्रैक्ट. काउंट एंड सबट्रैक्ट क्या होता है, हमें काउंट पहले करना होता है कि टोटल में नंबर्स कितने होते हैं, उसके बाद हम उनको सबट्रैक्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल सर्कल, आपके पास कितने सर्कल्स है, 6 सर्कल्स. अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से 3 लेस कर दो, इसमें जो 3 सर्कल है उनको सब्ट्रैक्ट करो, तो आप कैसे कर सकते हैं. आपको पहले काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये जो है ये सब्ट्रैक्ट की निशानी होती है, जिसको हम माइनस भी कहते हैं. तो जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम बीच में यही साइन जो है यही दिखाते हैं, 6 minus 3. जब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम क्या करते हैं, 3 जो है उसको हम काट देते हैं, 1, 2 and 3. तो हमारा आंसर क्या है, हमारा जो आंसर है हमें फिर से काउंट करना है कितने बचे, 1, 2 and 3. तो हमारा आंसर क्या है, 3. दूसरी एग्जांपल ये ट्रायंगल्स, ये कितने ट्रायंगल्स है, 5 ट्रायंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला हमें पहले काउंट करना है, तो हमने काउंट करके देखे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो जो हमारा ये है वो है 5 minus 2, हमें इसमें से 2 काटने हैं, तो 2 काटेंगे, 1 and 2. आंसर क्या आएगा, 1, 2 and 3. नेक्स्ट जो है और एक एग्जाम्पल, वो है स्टार.
10. तो ये 10 सर्कल्स हैं, इसमें हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 5. तो जब हम 10 सर्कल्स में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 and 5. तो हमने 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 and 5. तो आंसर आया 5. तो ये था पहला क्वेश्चन, काउंट एंड सब्ट्रैक्ट. क्या ना? तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. और बच्चों हमेशा याद रखना जो सब्ट्रैक्शन का साइन है वो होता है ये जो है ये सब्ट्रैक्शन का साइन है. जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तब हम ये साइन डालते हैं ताकि पता चले कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जो पहला पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें 6 में से माइनस करने हैं 2. क्या करने हैं? 6 में से माइनस करने हैं 2. तो हम इसको कैसे करेंगे? हम यहाँ पे 6 सर्कल्स बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है 6. 6 में से हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 2. तो हम इनको कट करेंगे. कितनों को कट करेंगे? 2 को. 1 and 2. तो अब हमें काउंट करना है कि आंसर क्या आएगा. 1, 2, 3 and 4. तो आंसर आएगा 4. तो हमें यहाँ लिखना है आंसर 4. दूसरा पार्ट जो है इसमें हमें 8 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं 4. 8 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं 4. तो यहाँ हम 8 ट्राइंगल्स बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो हमने कितने ट्राइंगल्स बनाए? 8 ट्राइंगल्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 4. तो हम 4 को कट करेंगे. 1, 2, 3 and 4. अब हमें वापस काउंट करना है कि कितने बचे. 1, 2, 3 and 4. कितने बचे? 4. तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 4. अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें 13 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं 2. 13 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं 2. तो हम इधर 13 स्क्वायर्स बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. हमने कितने बनाए? कितने स्क्वायर्स? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. 13 में हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 2. तो हम 2
10 सर्कल्स बनाए, हमें देखना है हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है। जीरो, जीरो मींस नथिंग, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो हमें इसमें से कुछ भी कट नहीं करना है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वापस 10। बच्चों ये हमेशा याद रखना, सब्ट्रैक्शन में जब भी हमें किसी नंबर को जीरो से सब्ट्रैक्ट करना होगा तो वो आंसर वही नंबर वापस आएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 9। 9 को हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं 9। तो यहाँ पे 9 बॉल्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 9 बॉल्स बनाई, तो हमें 9 को क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 9। तो हम 9 जो है उनको कट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो हमने 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिए, उनको कट कर लिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो। जीरो मतलब कुछ नहीं। जब हमने 9 में से बराबर 9 सब्ट्रैक्ट किए तो वहां पे कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे? जीरो। बच्चों यहाँ पे भी आप क्या याद रखोगे, जब भी हमें किसी नंबर से वापस वो नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां भी जीरो आएगा। ऐसे ही अगर आप 12 से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां भी जीरो आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 16। 16 से हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 8। तो हम यहाँ पे 16 सर्कल्स बनाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. 16 से हमें